हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिजीत और आप सबको फिर से एक बार स्वागत करता हूं फाइनेंस जानकारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं HDFC बैंक की टाइम्स पॉइंट डेबिट कार्ड की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो आपको क्या क्या फीचर्स और ऐसे बेनिफिट्स मिल जाता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको भी डिटेल्स में जानना है टाइम्स पॉइंट डेबिट कार्ड के बारे में और अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है कि कार्ड कैसा दिखता है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलता है, किस तरह से आपको सारी चीजें मिलता है, तो उन सारी चीजें के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ दिखाऊंगा भी। तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप सबके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो दोस्तों HDFC बैंक की टाइम्स पॉइंट डेबिट कार्ड कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आपको टाइम्स पॉइंट का लोगो सर्प एंड आर्म वाला दिख जाता है और इस साइड में दोस्तों आपको HDFC बैंक का ऑफिशियल लोगो दिख जाता है और ऊपर में दोस्तों आपको HDFC बैंक का दोस्तों जो टाइम्स पॉइंट डेबिट कार्ड है उसका कुछ स्पेशल बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पे बता रखा है। और पीछे की साइड में दोस्तों आप जैसे आपको पता है आप जब भी कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का डिलीवरी लेते हैं अभी के टाइम पे तो आपको कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है। उसके लिए दोस्तों आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड कुछ भी चीजें दे सकते हैं और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं आप इस कार्ड के साथ, वो सारे दिया हुआ है। तो चलिए इसको अभी हम अनबॉक्स करते हैं और अंदर क्या क्या चीजें वो भी दिखाता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ इस दोस्तों कार्ड का क्या क्या बेनिफिट्स और स्पेशल फीचर्स है। सो दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले जैसे मैं बॉक्स से अनबॉक्स करता हूँ तो सबसे पहले आपको ये क्विक स्टार्ट मिल जाता है टाइम्स पॉइंट डेबिट कार्ड की तरफ से। नीचे आप देख सकते हैं टाइम्स पॉइंट का लोगो और साथ में HDFC बैंक का ऑफिशियल लोगो दिख जाएगा। इसमें दोस्तों कुछ ज्यादा खास चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बस एक यूजर मैनुअल दिया हुआ है इसमें अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, साथ ही साथ डेली लिमिट और इंटरनेशनल यूजर्स और बाकी सारे जो तरह तरह की चीज़ें होते हैं वो दोस्तों आपको यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड में दिया हुआ है। तो ये चीज़ें दोस्तों कोई ज़्यादा खास है नहीं, इसको आप जैसे आएगा आपके पास तो आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये सब कार्ड में मिलता है आपको। उसके बाद दोस्तों एक बिल पे और दोस्तों स्टैंडिंग इंट्रोडक्शन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म दी जाती है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है गेट 5% कैशबैक ऑन स्टैंडिंग इंट्रोडक्शन ऑन डेबिट कार्ड। तो दोस्तों एक स्पेशल दोस्तों आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको अगर आप एक फॉर्म को फिलअप करके दोस्तों सबमिट करोगे यानी आप इससे दोस्तों आपका जो डेबिट कार्ड का जो दोस्तों बिल है यानी आप बिल पे करोगे इसके साथ तो आपको यहाँ पे 5% तक का दोस्तों कैशबैक मिल जाता है। तो ये एक खास बात है इस कार्ड का, ठीक है। तो चलिए इसको अभी फॉर्म को साइड में रखते हैं इस फॉर्म को भी, और उसके साथ आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कैसे कार्ड यूज करना है उसका एक मैनुअल यहाँ पे दिया हुआ है और इस साइड पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखा हुआ है कि आपको अपना जो डेबिट कार्ड का पिन है वो किसी को शेयर नहीं करना है, आपका नेट बैंकिंग का पासवर्ड कभी शेयर नहीं करना है, आप आपका CVV और आपका जो कार्ड नंबर है कभी को शेयर मत कीजिएगा, आपका जितनी भी डिटेल्स होते हैं सारे कॉन्फिडेंशियल होते हैं तो आप किसी दूसरे के साथ इस चीजें शेयर मत करना, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे कार्ड का जो नंबर है और बाकी सारे जो डिटेल्स है वो दोस्तों पर्सनल रीजन के लिए मैं इसको हाइड कर दिया हूँ, तो उसके लिए दोस्तों सॉरी। उसके बाद आप देख सकते हैं सेम इस तरह से दोस्तों एक चीज़ें मिलता है, इसमें आपको लिखा हुआ है रजिस्टर फॉर स्टैंडिंग इंट्रोडक्शन एंड गेट फ्री इंश्योरेंस कवर। आपको मैं बताना चाहता हूँ जो HDFC बैंक का टाइम्स पॉइंट डेबिट कार्ड आता है दोस्तों उसके साथ आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, ठीक है। आपको कितना इंश्योरेंस कवर मिलेगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक? तो आप इसको ना पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप इसको पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको रीड कर सकते हैं कि कितना आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जो प्लेटिनम का दोस्तों जो टाइम्स पॉइंट डेबिट कार्ड आता है उसका अलग अलग इंश्योरेंस मिलता है, 2 लाख से 5 लाख और 1-1 करोड़ का मिलता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा कार्ड लिया है। तो इसको भी साइड में रखते हैं और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आते हैं कुछ ATM का जो यहाँ पे पिन मेलर आता है दोस्तों वो आता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ATM का जो ATM डेबिट कार्ड पिन मेलर, इसके अंदर पिन होता है, ठीक है। तो ये भी कॉन्फिडेंशियल है दोस्तों, मैं आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको शेयर नहीं कर सकता, आप सबको पता है। बाकी दोस्तों उसके बाद भी कुछ खास है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ कॉन्ट्रैक्टलेस डेबिट कार्ड का कुछ फीचर्स सबको बताया हुआ है यहाँ पे, और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का इंटरनेशनल यूजर्स अगर आप यूज करोगे आपका डेबिट कार्ड के साथ तो यहाँ पे क्या क्या आपको अवॉइड करना चाहिए और क्या क्या फॉलो करना चाहिए उसका एक फॉलो अप गाइड आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो अलग अलग अकाउंट होता है उसका डिफरेंस चीज भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा मेन चीज, तो ये है दोस्तों हमारा मेन कार्ड टाइम्स पॉइंट। तो इसको हम अभी ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं कुछ चीजें है जिसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो कार्ड है दोस्तों वो हमारा कुछ इस तरह से दिखता है और यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मेरे ऊपर में कार्ड नंबर दिख रहा है, ठीक है। और कार्ड नंबर के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे नीचे अकाउंट नंबर
और कितना डेली लिमिट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरा जो कार्ड है दोस्तों HDFC बैंक का टाइम स्पेंड डेबिट कार्ड, उसका डेली लिमिट 4.5 लाख है, यानी 4,50,000 का मैं डेली स्पेंड कर सकता हूँ इस कार्ड से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल और विथड्रॉ लिमिट कितना है आप डेली का यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं। मेरे जो कार्ड है इसमें 1 लाख का डेली विथड्रॉ लिमिट है, और दोस्तों अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो 3.5 लाख का लिमिट है। मतलब जो टोटल मेरा एक दिन का दोस्तों जो लिमिट होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,50,000 का मेरे को यहाँ पे लिमिट मिल जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कार्ड से दोस्तों वो कुछ इस तरह से दिखता है। ऊपर में आपको टाइम्स पॉइंट का लोगो दिख जाएगा, साइड में HDFC बैंक का लोगो, और नीचे आपको दिख जाएगा दोस्तों प्लैटिनम डेबिट कार्ड, ये चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे दोस्तों मास्टर कार्ड है, ये जो कार्ड है ये मेरा को मास्टर कार्ड मिला है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कार्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और इसके पीछे दोस्तों आपको कुछ खास नहीं मिलने वाला। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और ऊपर में आपको दिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक यूज के लिए है ये सिर्फ, और ये जो कार्ड है दोस्तों ये नेपाल और भूटान में ये यूजेबल नहीं है। आप सबको पता है जो डेबिट कार्ड होता है वो नेपाल और भूटान में यूज नहीं होता है। आप इंटरनेशनली तो दोस्तों किसी भी कंट्री में आप यूज कर सकते हैं इंडिया को लेके। और नीचे भी आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, फोन बैंकिंग का जो ऑफिशियल दोस्तों नंबर है अलग अलग का, अगर आपका कार्ड मिसयूज होता है या आपका कार्ड चोरी हो जाता है या दोस्तों आपका कार्ड जो है वो लॉस्ट हो जाता है तो आप यहाँ पे कंप्लेन करके आपका जो कार्ड है उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो यही दोस्तों मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कैसे दिखता है कार्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, खास करके मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों जो कार्ड है। ठीक है, HDFC बैंक का टाइम स्पॉइंट डेबिट कार्ड, तो आप देख लीजिएगा अच्छे से इस तरह से कुछ दिखता है। मैं कुछ कुछ चीजें दोस्तों हाइड कर दिया हूँ, और यहाँ पे दोस्तों ये एक वेलकम लेटर मिलता है जो कि सिंपल सा है। आप देख सकते हैं ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, क्या क्या चीजें वो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, आपको क्या क्या बेनिफिट्स है, मैं चलिए आपको एक एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट्स दोस्तों, आप जैसे इस कार्ड को वेलकम मतलब आपका जो कार्ड है वो आएगा, आपको 500 टाइम पॉइंट दी जाएगा जिसको आप शॉप करने के लिए यानी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री 0 लायबिलिटी कवर है। अगर आपका कार्ड में कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है, जैसे आपका कार्ड अगर मान के चलिए चोरी हो गया या आपका कार्ड में कोई मिसयूज हुआ, तो वहां पे दोस्तों कवर मिल जाता है, आपको यहाँ पे कोई देना नहीं पड़ेगा, आपका बैंक से आपका जो पैसा है वो रिटर्न की जाएगा। तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं जो मैं आपको इंश्योरेंस डेट का बता रहा था, आप देख सकते हैं दोस्तों फ्री पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर सम अप टू 10 लाख, यानी 10 लाख का दोस्तों आपको यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर मिल जाएगा। यानी अगर आपका डेथ हो जाता है तो दोस्तों किसी भी रीजन से अनफॉर्चुनेटली, तो आपको यहाँ पे ये चीजें मिल जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको देख सकते हैं कितना पॉइंट्स मिलेगा, और आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करोगे तो उसमें अगर कोई फ्रॉड होता है या कुछ भी चीजें होता है दोस्तों तो उसका भी आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिल जाता है। और साथ ही साथ ये जो कार्ड से दोस्तों ये एक तरह से दोस्तों शॉपिंग एंड डिनर्स कार्ड है। ठीक है, तो इसमें आपको शॉपिंग का बहुत सारे बेनिफिट्स, अलग अलग एक्सक्लूसिव डील्स, डिस्काउंट भी मिल जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री इंटरनेशनल ईआर एक्सीडेंट कवर, ये भी आपको मिल जाता है, यानी ईआर एक्सीडेंटल कवर भी आपको मिल जाता है। ठीक है, सिंपल सा चीजें आप यहाँ पे देख लिया, और पीछे की साइड पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं, आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो, और कुछ FAQ सेक्शन है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है टाइम्स पॉइंट डेबिट कार्ड का, उसका अनबॉक्सिंग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मन में कोई और सवाल है दोस्तों HDFC बैंक का टाइम्स पॉइंट डेबिट कार्ड को लेकर, तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको अनबॉक्सिंग वीडियो और बाकी सारे चीजें आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आप सबसे मिलते हैं बहुत जल्दी न्यू और एक्ट्रेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।